आज इस वीडियो में हम आप लोगों को दिखाएंगे कि प्लेट का फ्लांज किस तरीके से बनाया जाता है। ओके, ये जो आप प्लेट देख रहे हैं 20 mm का प्लेट है और जो फ्लांज का डायमीटर है वो लगभग 2 मीटर है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे बनाना है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमने किया क्या है, सबसे पहले जो हमारा प्लेट है उसका हमने बिल्कुल सेंटर में एक जो है लाइन खींचा हुआ है। ठीक है, और लाइन खींचने के बाद जो हमारा रेडियस है मतलब ID और OD का वो हमने मार्क कर लिया है और उसके बाद यहाँ पे उस पर जो है डिवाइडर चलाया जा रहा है। ओके, तो देखिए इस वीडियो में सिर्फ आपको इसका जो प्रैक्टिकल वर्क है वो आपको देखने को मिलेगा। इसका अगर आपको थ्योरी देखना है तो आप हमारे चैनल पे जाके जो है देख सकते हो, या फिर आप हमारे फिटर की पूरी जानकारी जो ऐप है उसको इंस्टॉल करिए, उसमें आपको ये वीडियो देखने को मिल जाएगा थ्योरी वाला, या फिर इसका जो फॉर्मूला है वो भी आपको मिल जाएगा ऐप में। ठीक है, या तो मैं जो इसका लिंक है वो इस वीडियो के एंड में या फिर आई बटन में लगा दूंगा, आप देख के उसका पूरा कैलकुलेशन देख सकते हो और इस वीडियो में आपको इसका पूरा जो प्रैक्टिकल वर्क है वो देखने को मिलेगा। ओके, तो वीडियो को आप जो है एंड तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, लास्ट में इसका जो है इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो अभी देखिए डिवाइडर से इसको जो है पूरा इसका रेडियस जो है मारा जा रहा है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, प्लेट में आपको सबसे पहले प्लेट चेक करना है, उसका सेंटर मारना है मतलब सेंटर लाइन मारना है, उसके बाद उसका रेडियस मेजरिंग करके और उसके बाद उसको डिवाइडर घुमा देना। ओके, और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप सेंटर से लेकर के मतलब प्लेट के एंड तक मार्क किया जा रहा है जहाँ तक मतलब हमें डिवाइडर घुमाना है। ओके, तो वो मार्क किया जा रहा है, 2 पॉइंट ऊपर में मारा गया है, 2 पॉइंट नीचे में भी मार करके और साइड साइड में भी सीधा लाइन खींच देंगे। ओके, तो आइए देखते हैं। तो देख सकते हैं लाइन डोरी की मदद से इसमें जो है लाइन खींचा जा रहा है और ये हमने लाइन लगा दिया। ओके, सेम इस साइड में भी, या फिर आप अगर इसका एक सेपरेट वीडियो चाहते हो मतलब मैं जिस तरीके से पेपर में पहले बना के दिखाता था, अगर उस टाइप का वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं कोशिश करूँगा उस टाइप का वीडियो बनाने का। ओके, तो साइड साइड में भी मैंने लगभग 20-20 cm छोड़ दिया है ना, और उसके बाद देखिए जो हमारा जो रेडियस है उस पर हम लाइन डोरी से उस पर भी मार्क कर दे रहे हैं मतलब कहाँ तक कटिंग आएगा, उसका जो ओरिजिन पॉइंट है वहाँ से हम ले रहे हैं। देख सकते हैं जो हमने एक रेडियस मारा है उसका एक सेंटर पॉइंट आएगा ना, उसका रेडियस जो ओरिजिन पॉइंट आएगा वहीं से हम इसको ले रहे हैं। ये वीडियो मैं इसलिए शूट किया हूँ क्योंकि नए लोग को अगर थ्योरी मालूम हो जाता तो उनको प्रैक्टिकल वर्क मतलब कैसे काम किया जाता है वो अगर मालूम नहीं रहेगा तो फिर काम करने में उनको प्रॉब्लम आएगा, इसके लिए मैंने ये भी वीडियो जो है शूट कर दिया आप लोगों के लिए। तो देखिए और सीखिए, और हमने अभी तक अपने चैनल पे बहुत सारा वीडियो अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। चेक करने के लिए क्या करना है, सिंपली यूट्यूब पे जाना है और वहाँ पे आपको सर्च करना है फिटर की पूरी जानकारी, हमारा चैनल आ जाएगा। ओके, उसके बाद वहाँ पर अंदर जाना और फिर वहाँ पर आपको प्ले लिस्ट में जाके देखना है कि कौन सा वीडियो आप देखना चाहते हैं। जैसे अगर आप स्ट्रक्चर फिटर का काम सीखना चाहते हो तो वहाँ पे एक प्लेलिस्ट है स्ट्रक्चर फिटर के नाम से, उस पे जाएं और क्लिक करें, उसमें बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है। पाइप फिटर का काम सीखना चाहते हैं तो पाइप फिटर का जो प्लेलिस्ट है उस पे क्लिक करें और वहाँ पर देखें, वहाँ पर भी बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है। तो टैंक का ऊपर कॉलम कैसे बनाना है, गैलरी कैसे बनाना है, सब कुछ हमने जो है प्रैक्टिकल भी करके दिखाया हुआ है। ओके, तो आप अगर आपको देखना है सीखना है तो आप जाके देख सकते हो सीख सकते हो। ओके, तो देखिए हमने एक साइड का जो है जो लाइन है वो हमने मार दिया है ना। यहाँ पे हमने जो डिवाइडर घुमाया वो आपको दिख नहीं रहा है, इसके लिए आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन बीच बीच में यहाँ पे डिवाइडर घुमाया गया है ना, आपको दिख नहीं रहा है वो। ओके, तो पूरा हो चुका है, देख सकते हैं।
मार्किंग। अब इसमें हम सेंटर पंच मार देंगे, ये देखिए सेंटर पंच मारा जा रहा है। ओके, सेंटर पंच लगभग मैंने जो है 10-10 एम के डिस्टेंस पे मारा हुआ है, 10-15 एम के डिस्टेंस पे, क्योंकि कटिंग करने के टाइम पे सेंटर पंच नहीं रहने से प्रॉब्लम होगा, इसलिए सेंटर पंच भी आपको मार लेना है। पूरा रेडियस में आपको पूरा गोल गोल मारना है, पूरा गोलाई तक। तो देख सकते हैं हमने प्लेट जो है कटिंग करवा दिया है, ठीक है। जिस तरीके से मार्किंग था इसका, उसी तरीके से हमने सेम टू सेम इसका कटिंग करवा दिया है। ओके, और अब इसका हम यहाँ पे भी जो है इसमें मार रहे हैं, देख सकते हैं, मतलब वी ग्रुप बनाया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि दोनों जब प्लेट जॉइंट होगा तो उसमें वेल्डिंग के लिए हमें वी उसमें देना पड़ेगा, तो वही ग्रुप इसमें बनाया जा रहा है वेल्डिंग के लिए। और अभी इसमें ग्राइंडिंग भी करना पड़ेगा। ओके, और ग्राइंडिंग करके तब इसका जो है फिटअप करेंगे। ओके, तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे कटिंग करके और भी मारा जा रहा है। ओके, तो ये देखिए हमने जहाँ पे फिटअप करेंगे उसका हमने यहाँ पे लेआउट कर लिया है, ठीक है। लेआउट करने के बाद आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपको स्टॉपर लगा देना है, ठीक है, अंदर अंदर में, क्योंकि जब आप पहली बार जब आप बनाओगे तो आपको शायद प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आपको अंदर अंदर जो है इसका स्टॉपर मार लेना। ओके, हमने इसमें जो है पेंसिल से पूरा मार्क कर दिया है, वो आपको नहीं करना है, आपको इस पर सेंटर पंच से डायरेक्ट पंच कर देना। ओके, मैंने आपको दिखाने के लिए इसमें जो है पेंसिल से चारों तरफ मार्क कर दिया। ओके, और उसके बाद देखिए हमने यहाँ पर प्लेट रख दिया है, जो हमारा अभी कटिंग हुआ है, ग्राइंडिंग भी हो चुका है, और अब प्लेट जो है चारों तरफ हम रख रहे हैं। अंदर अंदर बस 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 ये को मैं काट देता हूं, देख लो पहले चेक करते हैं कितना होगा। एक प्लेट हमने जो है छोड़ दिया है, ठीक है, आपको भी हमने दो छोड़ा है, ठीक है, लेकिन आपको एक ही छोड़ना है, एक प्लेट आपको लास्ट का छोड़ देना है, उसमें कटिंग और भी नहीं मरवाना है, क्योंकि जब आप इसमें भी मारोगे तो जो है छोटा बड़ा हो सकता है, ठीक है, तो आपको भी एक प्लेट लास्ट का छोड़ देना है। देखिए वही अभी यहाँ पर कटिंग हो रहा है। ओके, जो हमने एक प्लेट जो लास्ट में छोड़ा था वो आपको एक्चुअली उस पर रख के और पेंसिल से मार करके आपको उसको जो है मिलाना है, वरना फिर थोड़ा बहुत गैप आ सकता है। ठीक है, तो देख सकते हैं हमने जो है मैच कर दिया है पूरा चारों तरफ, और ये बिल्कुल जो है 0-0 हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फ्लांज बनाना है। देखिए अब वेल्डिंग का यहाँ पे प्रोसेस जो है स्टार्ट हो चुका है। तो देखिए वेल्डिंग करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, इसके ऊपर में एक प्लेट जो है वेल्ड कर देना है, ठीक है, और प्लेट वेल्ड करने के बाद आपको जो है इसका वेल्डिंग करना है। प्लेट में देखिए हमने जो है वेल्डिंग थोड़ा कम ही मारा है, वेल्डिंग थोड़ा आपको दोनों साइड मारना है और ज़्यादा मारना है। ओके, ये बात आपको खास ध्यान में रखना है, क्योंकि जब ये वेल्ड होता है तो बहुत ज़्यादा ये खींचता है। ओके, तो देखिए हमने कम मरवाया, इसके लिए किसी किसी का टाका जो है टूट चुका है, तो आपको जो है पूरा उसमें वेल्डिंग करवा देना है, इस तरीके से प्लेट आपको लगा के रखना है। ओके, और वेल्डिंग आपको पूरा करवा देना है। ओके, तो इस तरीके से हम जो है फ्लांज बनाते हैं। तो आई होप आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा और कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट हो तो आप जो है कमेंट में हमसे पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।